अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम सऊदी अरब की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और यह अपडेट सऊदी अरब के अंदर लॉकडाउन के हवाले से होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में पिछले दो दिनों में काफ़ी ज़्यादा मरीज सामने निकल कर आए हैं, यानी दो दिन पहले 728 मरीज निकले थे और कल की डेट में जो मरीज आए थे उनकी तादाद थी 684। तो ऐसे में अभी सऊदी का जो पब्लिक सिक्योरिटी है उनकी तरफ से एक वीडियो क्लिप जारी की गई है, जो पिछले साल सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू वगैरह लागू किया गया था और जो पाबंदियां लगाई गई थी उस हवाले से अपडेट भी जारी की गई है। और अपडेट में बताया ये गया है कि पब्लिक सिक्योरिटी ने उभरते कोरोना वायरस कोविड-19 का सामना करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि सऊदी अरब के अंदर जो पाबंदियां 2020 के दौरान लगाई गई थी उसको दोबारा से दोहराया ना जाए, जिसमें फ़्लाइट की पाबंदी, मार्केटों को बंद करना, कर्फ्यू लगाना, एक शहर से दूसरे शहर के बीच आवाजाही पर रोक लगाना और बाकी जो पाबंदियां लगाई गई थी। वीडियो क्लिप जारी करते हुए वार्निंग भी दी गई है कि सऊदी अरब के अंदर जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी वो लगाई जाएं या ना लगाई जाएं ये फ़ैसला आपके हाथ में है, यानी कि अगर लोग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी करेंगे तो सऊदी अरब के अंदर दोबारा से जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको लगाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर लोग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कोरोना वायरस से बचाव के अगर लोग उसकी पाबंदी नहीं करते हैं, हिफाजती इंतजामात की पाबंदी नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर लगातार केस बढ़ते रहे तो सऊदी गवर्नमेंट को मजबूरन जो पाबंदियां पहले लागू की गई थी उसको दोबारा से सऊदी अरब के अंदर लागू करना पड़ सकता है। तो आप तमाम लोग और जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर हैं तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें, ताकि सऊदी अरब के अंदर दोबारा से कर्फ्यू लागू ना हो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू लागू हो, क्योंकि कर्फ्यू लागू होने के बाद काम काज बंद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में तमाम लोग अगर हिफाजती इंतजामात की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू और जो पाबंदियां हैं वो लागू नहीं की जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।